हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 29 मई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 30 मई को पीएम के शपथ समारोह के लिए किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के शपथ समारोह में बिम्स्टिक देशों के प्रमुखों को बुलाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, बिम्स्टिक। अब आपको बिम्स्टिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं। तो सबसे पहले बिम्स्टिक का पूरा नाम, बिम्स्टिक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन। इसके अंतर्गत टोटल 7 देश आते हैं, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिम्स्टिक देशों का पाकिस्तान मेंबर है या नहीं है, तो आपको याद रखना पाकिस्तान बिम्स्टिक का मेंबर नहीं है। बिम्स्टिक की स्थापना हुई थी 1997 में, इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 2018 का बिम्स्टिक समिट हुआ था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। 2019 का बिम्स्टिक समिट होगा श्रीलंका में। अब आपको दो क्वेश्चन और याद रखना, वो कौन कौन से हैं? बिम्स्टिक के साथ साथ 3 लोगों को और बुलाया गया है, वो कौन कौन से हैं? संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं व्लादिमीर नोरो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ और किर्गिस्तान देश के राष्ट्रपति। इतने लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में बुलाया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने के बाद सबसे पहले मालदीव देश को जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले किस देश का दौरा करेंगे, तो उत्तर होगा मालदीव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बैंक ऑन व्हील सुविधा किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो बैंक ऑन व्हील जो सुविधा है ये शुरू की गई इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा। इसमें क्या होगा, इसमें एक वैन पे एक एटीएम, मिनी एटीएम इंस्टॉल किया जाएगा, उसी में पासबुक प्रिंटिंग प्रेस लगाया जाएगा, इसके अलावा एक बैंक का कर्मचारी होगा। इसकी सहायता से जो सीनियर सिटीजनशिप हैं तमिलनाडु और केरल राज्य के, उनको डोर स्टेप सर्विस दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। इसके वर्तमान में CEO और MD हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। चेन्नई में एक और बैंक का मुख्यालय जिसका नाम है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों बैंकों का मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आर्कटिक में मार्ग खोलने के लिए नए परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये ऐसा किया है रूस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, रूस। इसकी सहायता से रूस जो आर्कटिक सागर में बर्फ जमी हुई है उसको काट करके एक नया रास्ता बनाएगा, जिससे उसको विश्व व्यापार में आसानी मिलेगी। तो आर्कटिक सागर के लिए परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा। अब आपको रूस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर याद रखना है, जैसे भारत ने 3600 करोड़ रुपए से की लागत से रूस से खरीद रहा है 10 Kamov-31 हेलीकॉप्टर। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने स्वतंत्र रूसी इंटरनेट के निर्माण के लिए एक नया कानून बनाया है। रूस ने दुनिया के सबसे पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लॉन्च किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है ये दिया जाएगा। तो आपको इतने क्वेश्चन आपको रूस देश से याद रखना है। रूस की राजधानी है मास्को, रूस की मुद्रा है रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है DRDO ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, DRDO। आकाश जो कि सतह से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल है, इसकी रेंज होगी 25 किलोमीटर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक, 18,000 मीटर ऊंचाई तक ये वार कर सकती है और 25 किलोमीटर तक।
डीआरडीओ से इस समय सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इसके हेड का नाम। तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसके वर्तमान में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और जी सतीश रेड्डी को 2019 में मिसाइल टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया था अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर, जिनको शॉर्ट में बोला जाता है बीडी सावरकर, की जयंती कब मनाई गई? तो विनायक दामोदर सावरकर जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी 28 मई को जयंती मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 28 मई। विनायक दामोदर दास सावरकर जिनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में, इसीलिए प्रतिवर्ष 28 मई को इनकी मनाई जाती है जयंती। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखना। पहला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति की पुस्तक के आधार पर 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है? तो इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी पुस्तक के आधार पे भारत का जो 1857 का युद्ध था उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट बेलेयर है, तो पोर्ट बेलेयर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा पोर्ट बेलेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये दो क्वेश्चन आपको वीर सावरकर से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को अस्थायी रूप से यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश का ओरछा शहर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, इसको परमानेंट नहीं सिर्फ अस्थायी रूप से यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया है ओरछा शहर को। ओरछा शहर जो कि बुंदेल राजवंशों का एक स्थापत्य कला है, इसी के लिए इसको यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अभी तक भारत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर हैं उनमें से टोटल हैं 37। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस देश के पास यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर हैं? तो उत्तर होगा इटली। इटली के पास हैं 54, दूसरे नंबर पे है चाइना 53 और भारत के पास टोटल हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट 37। इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो इसको डिक्लेयर करता है यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी हेड हैं वर्तमान में एंड्रा एजोली। ये क्या है? तो दुनिया की जितनी भी सांस्कृतिक भौतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जंगल हैं, भवन हैं, पहाड़ हैं, स्मारक हैं, उन सभी की एक लिस्ट तैयार की जाती है यूनेस्को द्वारा, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। जैसे भारत में है खजुराहो का मंदिर हुआ, अजंता की गुफाएं हुई, एलोरा की गुफाएं हुई, काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ, कोणार्क सन टेम्पल हुआ, ये सभी भारत की वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। टोटल भारत के पास अभी 37 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में पहली यूएन हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी के बोर्ड के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली के कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव के रूप में चुना गया है भारत देश को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन हैबिटेट असेंबली ये कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी भारत। ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा दुनिया के जितने शहर हैं उनको कैसे नए तरीके से बसाया जाए या उन वहाँ के जो रहन सहन है, उनकी बिल्डिंगें हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, इसके लिए जो फोरम है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट असेंबली। और इसका जो पहला सत्र हुआ है वो हुआ है केन्या की राजधानी नैरोबी में, जिसमें भारत को एग्जीक्यूटिव बनाया गया है। इसका थीम भी आपको याद रखना है, इसका थीम था इनोवेशन फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनैकर को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कमांडर नियुक्त किया गया है? तो शैलेश तिनैकर को दक्षिण सूडान के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का मिशन है उसके लिए कमांडर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है जुमा और इसकी मुद्रा है साउथ सूडान पौंड। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दक्षिण सूडान अलग देश है, जो सूडान देश है वो अलग देश है, सूडान की राजधानी है खार्तूम और दक्षिण सूडान की राजधानी है जुमा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस का आखिरी मेंबर देश कौन है? तो यूनाइटेड नेशंस का आखिरी मेंबर देश है दक्षिण सूडान, जिसका नंबर है 193। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पैसिफिक वैनगार्ड नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो पैसिफिक वैनगार्ड नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन किया जा रहा है अमेरिका देश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए, अमेरिका। इसमें अमेरिका के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, ये तीन देश पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको याद रखना है पैसिफिक वैनगार्ड जो कि अमेरिका में आयोजित की गई है, इसमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चार देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी में ही है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। वर्ल्ड बैंक के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश के हैं। आईएमएफ की सीईओ हैं क्रिस्टिना लेगार्डे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ कौन लेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं दूसरी बार वो हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू की जो पार्टी है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी अभी लोकसभा चुनाव के साथ साथ चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। वो कौन से चार राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और एक देश है उड़ीसा। तो आपको इन चारों देशों के चारों राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम याद रखना है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग और इनका दूसरा नाम है पीएस गोलाय। आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है जगमोहन रेड्डी। उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है नवीन पटनायक और अरुणाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनका नाम है पेमा खांडू और इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब आपको अरुणाचल प्रदेश से दो चीज़ें याद रखना है। पहला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में द हिंदू न्यूज़पेपर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो द हिंदू न्यूज़पेपर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है एलवी नवनीत को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, द हिंदू डेली पब्लिश होने वाला एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नए जापानी सम्राट नारुहितो से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। तो अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के दौरे पे थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, डोनाल्ड ट्रंप जापान के नए सम्राट नारुहितो से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये हैं जापान के नए सम्राट नारुहितो और ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको जापान से कुछ रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं वो याद रखने हैं। जैसे अभी अभी भारत के जो पूर्व विदेश सचिव हैं जिनका नाम है श्याम सरन, श्याम सरन को जापान की तरफ से दिया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जो कि जापान का हाईएस्ट सेकंड सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा जापान ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जिसकी चाल होगी 400 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अलावा एक कप होता है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक डायमंड कप, जो कि एक गोल्फ खेल की कप है, इसको जीत लिया है जापान के खिलाड़ी योसुक आसाजी ने। 2020 का जो ओलंपिक खेल है वो खेला जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में और 2019 की जो G20 समिट है ये आयोजित की जाएगी जापान के शहर ओसाका में। तो इतने क्वेश्चन आपको जापान से याद रखना है। जापान जो कि एक एशिया का देश है, इसकी राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानीज एन और इसको कंफ्यूज मत करना युआन से, युआन चाइना की मुद्रा है
और एन जापान की मुद्रा है। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।